यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन में है, आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई ये करना है, और स्पेशली जब आप पहली बार कोई चीज कर रहे हैं तो तब तो यही डिटेल में कि भाई मैं एक ही क्वेश्चन में चाहे 10 घंटे लगाऊं, चाहे आधा घंटा लगाऊं, चाहे 10 मिनट लगाऊं, बट उसका एक एक चीज, एक एक कॉर्नर उसका मुझे क्लियर होना चाहिए, तब हम समझेंगे। सॉल्यूशन तो अभी देखेंगे क्या होगा। हमसे कह रहा था ट्रेडर सोल्ड एन आर्टिकल एट ए लॉस ऑफ 5%, तो उसका लॉस 5% है। तो जब आप लॉस कर रहे हो तो कॉस्ट प्राइस कुछ होगा, सेलिंग प्राइस कुछ होगा। तीन ही चीजें होती हैं हमारे पास प्रॉफिट लॉस वाले क्वेश्चन में। अगर मैं बात करूं, हमारे पास कॉस्ट प्राइस होता है, हमारे पास सेलिंग प्राइस होता है, और हमारे पास या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो तीन चीजों में रिलेशन है। तो हमें पहले ऑप्शन में उसने कहा कि लॉस 5% है, बट व्हेन वी इंक्रीज द सेलिंग प्राइस बाय 65, तो जो आपका पहला सेलिंग प्राइस था उसमें अगर 65 आपने ज्यादा कर दिया तो ये हो गया सेलिंग प्राइस 2, तब आपको 3.33 का कॉस्ट प्राइस पे, प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही होता है, फालतू में लिख रहा है वो, तो 3.3% प्रॉफिट हो रहा है। अब आपसे कह रहा है इफ ही सेल्स द सेम आर्टिकल ऑफ रुपीज 936, तो अगर थर्ड में वो सेलिंग प्राइस 936 कर दे तो व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज, तो आपसे प्रॉफिट परसेंटेज निकलवा रहा है। इतना क्वेश्चन, आप प्रॉफिट परसेंटेज निकाल दोगे अगर आपको कॉस्ट प्राइस पता हो। तो बेसिकली जो मेरा क्वेश्चन है वो थर्ड पार्ट है, मुझे तो ये आंसर चाहिए, लेकिन ये आंसर मिलेगा यहाँ फर्स्ट से क्या आंसर मिलेगा कि मुझे कॉस्ट प्राइस निकालना है। अब जरा देखते हैं कि दिया क्या क्या था, उससे हमें क्या क्या मिलेगा। मुझे ये बताइए सेलिंग प्राइस 1 में और सेलिंग प्राइस 2 में कितने का फर्क है? 65 का। लेकिन सेलिंग प्राइस 1 की वजह से और सेलिंग प्राइस 2 की वजह से परसेंटेज का कितना फर्क है, कोई बच्चा मुझे बता सकता है? 8.33%। वेरी नाइस। अगर आपने इतना सोच लिया, ठीक है बेटे, एक जगह तो आपको लॉस हो रहा था, ठीक है, लॉस कितने परसेंट का हो रहा था? -5% का, और दूसरी जगह आपको 3.33 का प्रॉफिट हो रहा है जी। तो परसेंटेज कितना हो रहा है, मतलब मैं अगर आपसे कहूं, ध्यान से सुन लीजिए, अगर आपका कॉस्ट प्राइस 100 रुपए था, सब बच्चे प्लीज ध्यान से सुन ले, अगर हमारा कॉस्ट प्राइस 100 रुपए था और हमारा 5% बेटे लॉस हो रहा है, तो इसका मतलब आप कितने का बेच रहे थे, आप कितने का सेल कर रहे थे? आप 95 का सेल कर रहे थे, ठीक है। अगर आपका कॉस्ट प्राइस 100 है, अब आप प्रॉफिट में बेच रहे हो, कितने प्रॉफिट में? 3.33%। तो अब आप कितने का बेच रहे हो? 103.33। तो मैं आपसे कह रहा हूं इन दोनों में जो डिफरेंस हुआ, ये 103 है और ये 95 है, इन दोनों में जो डिफरेंस हुआ वो 5 + 3 8.33 का हो गया। यस सर नो? यस सर। ठीक है, पहली चीज तो ये आप समझिए। दूसरी चीज मैं आपको वैसे ही लिख के बता रहा हूं, अब आप सोचिए, अगर मैं डायरेक्ट वैसे लिखूं, कॉस्ट प्राइस मेरा कुछ भी मान लीजिए, मैं कॉस्ट प्राइस को कॉस्ट प्राइस ही मान लेता हूं, और मैंने आपको परसेंटेज में बताया है बच्चों को कि अगर मेरा लॉस हो रहा है तो लॉस वो हमेशा 100 में से होता है। किस में से होता है? 100 में से। तो अगर 5% लॉस हो रहा है तो मेरा जो पहला वाला सेलिंग प्राइस है आप उसे डायरेक्ट लिख सकते हैं कि वो 95% ऑफ कॉस्ट प्राइस होगा, सेलिंग प्राइस ऑफ 1। यस और नो? Yes, sir. हाँ भाई, सेलिंग प्राइस 1 जो होगा वो कॉस्ट प्राइस का 95% होगा। अच्छा, दूसरा वाला जो कॉस्ट प्राइस है वो सीपी ही रहेगा, लेकिन उसमें 3.3 का प्रॉफिट हो रहा है, तो वो वाला जो SP2 होगा वो मेरा 103.33% ऑफ सीपी होगा। यस सर नो? यस सर। और ये मेरा SP2 है और ये मेरा SP1 है, और इन दोनों में जो डिफरेंस है वो 65 रुपीज का है। यस और नो? जी सर। यस सर। भाई यही तो कहा था उसने कि SP2 मेरा SP1 से 65 रुपए ज्यादा है, ठीक है। तो अब आप यहां से माइनस करोगे तब भी बेटे 8.33 आना था, और अगर डायरेक्ट आपको समझ में आ रहा था तब भी समझ में आ रहा था। तो हम डायरेक्ट क्या लिख सकते थे, हम ये कह सकते थे कि 8.33% ऑफ सीपी इज इक्वल्स टू 65। तो यहां से आप सीपी निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे? सीपी। सीपी क्या हो जाएगा? 6500
ऐसे। समझ में आ गया सर या नहीं आया? सीपी कितना आ गया हमारा, कोई बता सकता है? ये हमारे पास आएगा, तो 780.3 चलो इतना ही मान लेते हैं। तो अब हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ गया 780.3 और हमारा SP3 हो गया 936, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा? प्रॉफिट कितना आ रहा है हमारा इस केस में? 6, अगर आपने अकाउंट से किया है 13.8, आपके पास 5 और 871 156, तो 156 अपॉन 780 समथिंग इतना आएगा, तो ये हमारे पास आएगा। तो कितना आ रहा है हमारे पास? ये इस तरह से आप काउंट कर सकते हैं। कुछ आइडिया आया सर? अप्रॉक्स 20% जी, अप्रॉक्स 20% ये हमारे पास 78 का डबल ही आ रहा है ना, 166 समथिंग सर, 20% सर। कुछ समझ में आया नहीं आया? ठीक है, तो ये हमारे पास है, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। तो क्वेश्चंस को जब आप अटेम्प्ट करेंगे तो ऐसे करेंगे। अब जैसा हमने यहाँ लिखा है ये, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है, जब हम इसको अटेम्प्ट करेंगे तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, अदरवाइज जब आप इसे करेंगे तो डायरेक्ट इतना ही लिखना था आपको कि भाई 8.33% ऑफ सीपी इज इक्वल्स टू 65, तो सीपी इज इक्वल्स टू 6500 अपॉन 8.33, ये पास। एसपी हमसे कह रहा था 936, तो फिर हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज, तो 936 माइनस जो भी आप कैलकुलेट करेंगे, और ध्यान रखिएगा एग्जाम में हमेशा जो है वो बहुत सिंपल कैलकुलेशंस आती है, टिपिकल कैलकुलेशन नहीं देता, ये भी ध्यान रखिएगा, इनटू 100। तो फाइनल कैलकुलेशन मेरी इतनी सी थी, सीपी फाइंड करो और प्रॉफिट परसेंटेज निकाल दो। चलिए खैर, आज मैंने दूसरा टॉपिक आप लोगों से डिस्कस करना है। कल मैंने एक वीडियो बनाई भी थी, शाम में 10:30 बजे क्लास ली थी, कुछ बच्चे ऑनलाइन भी रहते हैं, तो वही चीज मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ। साथ साथ एक्चुअली फॉर्मूला बेस्ड है, तो फॉर्मूले भी डिस्कस करते रहेंगे और क्वेश्चंस भी डिस्कस करते रहेंगे।